दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है नियोजित शिक्षकों को लेकर। हमने लगातार आप लोगों को बताया था कि देखिए आप लोगों की जो मांग है, जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं, ये सुनी जा रही है, आप लोगों की आवाज व्यर्थ नहीं जा रही है। और इसी के लिए मैंने कहा था कि देखिए हम लोगों का काम है आवाज उठाना, और कोई भी गवर्नमेंट हो यार, ठीक है, जब एक सुर में आवाज उठती है तो उसको मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ठीक है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर जो मसला उठा था, काफी मुद्दा गर्म हो गया था, लोकसभा का चुनाव है, इन सब मुद्दों को देखते हुए तमाम कयास लगे रहे थे कि यहां पर नीतीश कुमार और जो शिक्षा विभाग है इस पर जल्द ही फैसला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि नियोजित शिक्षक भर्ती पर बहुत बड़ी खुशखबरी आई, ठीक है, मीटिंग से लेकर, ठीक है। इससे पहले निवेदन करूंगा कि चैनल के साथ अगर आप लोग नए जुड़े हैं इस परिवार के साथ तो जुड़िए और हिस्सा बनिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं कोशिश यहां पर मेरी कोशिश यह है कि कम से कम इस वीडियो पर 1000 लाइक, ठीक है, तो आप लोग लाइक कर देना। देखिए बिहार शिक्षक भर्ती नियोजित शिक्षक भर्तियों को लेकर यहां पर शिक्षा मंत्रालय और नीतीश कुमार की एक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, मीटिंग का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर बाद यहां पर मीटिंग शुरू होगी और मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले अपडेट, ठीक है, सबसे पहले अपडेट आपको प्राप्त हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तुरंत ही आपका अपना चैनल, अपने चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद स्किप कर दें, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मीटिंग की तुरंत अपडेट मिलेगी। और बहुत पॉजिटिव खबर सामने निकल के आ रही, हो सकता है आज ये फैसला हो जाए कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, ठीक है। तो काफी कुछ डिपेंड करेगा मीटिंग पे, जैसे ही खत्म होगी तुरंत ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम सूचित कर देंगे। जय हिंद।